दसा कि मेरी अज हुशियारपुर जिले के अंदर फेरी है और ये पूरी तरह नाल प्योर संगठनात्मक दौरा है जिसे अंदर 22 दियां चोणां नूं लैके शाम 84 विधानसभा के पार्टी के कार्यकर्ता नाल और हुशियारपुर शहरी विधानसभा के कार्यकर्ता नाल और इस तो बाद गढ़ शंकर मैं जा रहा उतों के कार्यकर्ता नाल बैठना और चोणां की तैयारी के अंदर बूथ स्तर के उत्ते अपने संगठन एक्टिवेट होए उहदे लई असीं चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी पहला एक छोटी हिस्सेदारी चुनाव लड़ती सी। पहली बारी पंजाब के अंदर पार्टी नूं पूरियां सीटां ते लड़न का मौका प्राप्त होया और यह जिहड़ा अफसर है अपने कार्यकर्ता का मनोबल इन्ना उच्चा है कि वह किसी भी कीमत दे इस अफसर नूं खोना नहीं चाहता। पार्टी लड़न लई नहीं जीतन लई और सरकार बनाने लई चुनाव लड़ रही है और इहदे लई पंजाब दे बीजेपी ने एक स्लोगन भी दिता है नवा पंजाब बीजेपी दे नाल। कई बार ये बन जाता कि नवा पंजाब बीजेपी दे नाल स्लोगन का अर्थ की है। असी 4.5 साल के कांग्रेस के शासन नूं देख लिए और लोक लुभावे वादे करके जिस प्रकार उन्होंने जनता नूं ठगिया, उन्होंने पहला कहा कि घर घर नौकरी नहीं दे पाए, नौकरी नहीं दे 2500 रुपया वो नहीं दे पाए, सरकार जान ते आ गई है माइनिंग पॉलिसी नहीं आई, दलित बच्चों का वजीफे का घोटाला, इलीगल माइनिंग, शराब माफिया, भू माफिया और उहदे अंदर तो भू माफिया मामले के अंदर तो हुशियारपुर का भी ना हुण जिस तरीके नाल उछलिया MLA साहब का इतों दे अजे उहनूं लैके भी बड़ा कुछ हैगा। असीं जो नवा पंजाब कहने ऐसा पंजाब जिहड़ा भ्रष्टाचार तो मुक्त होए, ऐसा पंजाब जिथे महिलावां खुद नूं सुरक्षित समझन, ऐसा पंजाब जिथे अमन शांति भाईचारा मजबूत है, ऐसा पंजाब जिदे च नौजवान नूं लगे कि ये मेरी सरकार है, ऐसा पंजाब जिदे च इंडस्ट्री खुले वातावरण च अपना काम कर सके, ऐसा पंजाब जिदे च समाज का कमजोर वर्ग जिहड़ा है उहदा जीवन स्तर उच्चा होए, चाहे कोई खेत च काम करन वाला है चाहे छोटी दुकान करन वाला है, सब नूं लगे कि ये मेरी सरकार है, ऐसा पंजाब बनाने लैके पार्टी जी चुनाव से जा रही है और असी घोषणावां नहीं करांगे। साडे लई जिहड़ा अज एक स्पर्धा पंजाब च चल रही है, चन्नी और केजरीवाल च रेस लगी है, विच अकाली दल भी शामिल हो रहा है, रेस की लगी है, एक कहता 1000 रुपया देंगा, दूजा कहता 1 दे रहा मैं 2 देंगा, लड़ो लपोड़ संघ का ना करना कराना कुछ नहीं। मेरी तुहानू भी एक बेनती है पत्रकारा मित्रों, जनता नूं भ्रम च पा के झूठे सपने दिखा के सरकार बना लैंदे ने, लेकिन उन्हां सपनियां नूं चूर होंदे हुए जनता देखती है। यही काम कांग्रेस ने पिछले बारी किया, श्री गुड़का साहब अज फड़िया सी नशा मुक्त पंजाब देंगे, क्या हो गया? घर घर नौकरी मिल गई, स्मार्टफोन मिल गया, क्या बेअदबी दे दोषी पकड़े गए, क्या अज फिर कांग्रेस वो खेल खेल रही है, केजरीवाल भी उस रेस च है और अकाली दल भी उहदा हिस्सा बनया। बीजेपी घोषणा नहीं करेगी, संकल्प करेगी और अपना संकल्प पत्र जारी करेगी जिदे प्रति साड़ी कमिटमेंट होएगी कि असी जो अपने संकल्प पत्र च कहांगे पंजाब दे नूं पार्टी किस तरीके की सरकार दिंदी है वो उहदा दस्तावेज होएगा। इस करके असी अपने संगठन मजबूत करने लगे हैं। तुहाडे कोलों कोई गलबात पुछनी है तो पुछो सर। आने वाले टाइम विच किसी पार्टी ने गठबंधन ने अपनी संभावना बीजेपी मेरे पार्टी के प्रधान के नाते 117 सीटों के उत्ते पार्टी के वर्कर नूं एक्टिवेट करना मेरी नज़र केवल और केवल 117 सीटों ऐसा कि मैं 117 सीटों लैके तैयारी कर रहा हूँ।
केजरीवाल साहब ने कहा है भी जिहड़ा गुरजोत सिंह सिद्धू है वो पार्टी छड़ना चाहते अकाली दल का विरोध कर रहे हैं कांग्रेस के मौजूदा है आप दे विच कहिंदे जाणा नहीं चाहते कि बीजेपी के किसी तरह का चाहे सिद्धू कांग्रेस के अध्यक्ष ने और उत्थे ही ठीक ने कांग्रेस नूं किसी भी पक्ष की जरूरत नहीं अंतर द्वंद्व दे नाल सरकार चल रही है लास्ट वाला शब्द काढ के पहले प्रश्न का जवाब दे लो जिहड़े कमिटमेंट हुंदी ना जो ये घोषणा पत्र कांग्रेस ने पिछले चुनाव च जारी किया घोषणा पत्र से की लिखा सी कैप्टन का घोषणा पत्र है या कांग्रेस का घोषणा पत्र पार्टियां दी कमिटमेंट सी कि मेरी साड़ी पार्टी की सरकार बनाओ तो असी भ्रष्टाचार खत्म करांगे बेअदबी वालों सजा देंगे नशा मुक्त पंजाब देंगे किसानी कर्जे का पूर्ण ऋण माफ करांगे कांग्रेस ने धोखा किया पंजाब और उहदे अंदर MLA तो लैके मंत्री तक दोषी ने जिहड़े अज बोल रहे ने वह कैबिनेट का हिस्सा सी उस वेले वह विधायक सी उस विधानसभा दे व्यक्ति जिहड़ा है वह प्रतीक है लेकिन कांग्रेस की नीयत सरकारां जिते जिते वह बनांदी है बनाने तो पहला कुछ कहिंदी है करदी की है उहदा प्रतीक है हुण चन्नी साहब आए ने चेहरा बदलिया है कि वह भ्रष्टाचार पिछा नहीं छड़ सकता उन्होंने मंत्री उस कैबिनेट का हिस्सा सी जिहड़े अज एक व्यक्ति नूं कड़गरे च खड़ा करके लोगों नूं फिर एक बार मूर्ख बनाना चाहते हैं पर पंजाब की जनता बहुत समझदार है मैं की कहना कि MLA तो लैके पूरी दी मंत्रियों तक हर कांग्रेस का विधायक हर मंत्री दोषी है पंजाब के नाल धोखा करने लई और लोग इहनूं चुकता करनगे सर गल है कि उन्होंने दोषियों का सरगना ही सीगा जी कैप्टन एज ए कमिटमेंट हूँ आप पार्टी की सर गल कर ऐसा भाई साहब कमिटमेंट पार्टियां दे एजेंडे दी होंदी है पार्टियां दा घोषणा पत्र होंदा है उन्हूं पूरा ना करन च MLA भी दोषी है ये सारे मंत्री बराबर दे दोषी है इन्होंने क्यों नहीं उस पे बोले कैबिनेट के अंदर निर्णय कैबिनेट कर दी है मुख्यमंत्री कला नहीं करता कैबिनेट कर दिया उस वेले क्यों कुमर करनी नहीं सुते रहे हैं साढ़े चार साल तक भ्रष्टाचार से रहे साढ़े चार साल से स्वाद लिया पूरी तरह नाल हुण इन्हां नूं लगता है कि नहीं बई साढ़े चार साल के पाप माफ कर लिए नहीं होने सर मनजिंदर सिंह सिरसा ने कल BJP ज्वाइनिंग की है तो जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा उन्होंने अगर दो रस्ते से या जेल से चल जाओ या BJP शामिल हो जाओ ऐसा है कि मनजिंदर सिंह सिरसा अकाली दल का एक बहुत वड्डा चेहरा है उन्हों का पार्टी पंजाब भी उन्हों का BJP च ज्वाइन करने स्वागत करती है पंजाब BJP और ये आने नाल पार्टी नूं ताकत भी मिलेगी सिरसा साहब दिल्ली के अंदर जिस प्रकार कोरोना की महामारी के अंदर सेवा दे कार्य उन्हां द्वारा किए गए और जिस प्रकार चाहे श्रीनगर के अंदर सिख परिवारां नाल सिख पंथ दे नाल कोई घटना घटी होए चाहे अफगानिस्तान च होए ऐसा सिरमौर बंदा है जिहड़ा लगातार संपर्क च रहा है और उन्हां दी पीड़ा दर्द नूं निवारण करन लई लग्या रहा और ऐसे व्यक्ति का BJP जाना यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी दे नीतियां तो प्रभावित होके उस ओ पार्टी चाहिए नहीं। रही गल एक गल उस तो पहला क्यों नहीं बोलते बोली जड़ी गल तुसी जोड़ रहे हो हुण ना वो पंजाबी दी कहावत है हाथ ना आए दूध कुदू घोड़ी तुहाड़े च आ गए तो बड़ा वधिया हुण इधर आ गया तो घटिया हो गया सिरसा जी दानश्वर आदमी ने उन्हां दी तुसी कदी डिबेट सुनो कदी हल्की गल नहीं करते ऐसे व्यक्ति का जिन्हें सिख पंथ लई सिख धर्म लई अपने लोगों की काज करता और पूरे समाज के वर्ग लई दूसरे वर्ग लई भी काज करता है जिसले वो कोरोना च लगे पई सी वो कल्ले एक समाज की सेवा नहीं कर रहे थे पूरे समाज की सेवा कर रहे थे
हूँ एक होस्पिटल बन रहा उन्होंने वो कितना जबरदस्त है। ऐसे व्यक्तियों का भारतीय जनता पार्टी चुनना यह पार्टी भी ताकत दिता और पंजाब के बाकी लोगों भी प्रेरणा दिता कि बीजेपी जुड़ो। मेरे जुम्मे 117 सीटा तैयारी करना और मैं बेखूबी कर रहा। अज 19वीं विधानसभा जिसे मैं विधानसभा स्तर से 4 तरीक तक 30 विधानसभा मेरे द्वारा कड़िया जाएगी बाकी मेरे महामंत्री ये 4 तरीक तक 117 विधानसभा बीजेपी अपने ऑर्गेनाइजेशन ढांचे की समीक्षा कर पाएगी। अपनी सरकार का सीएमपीएस कौन आएगा? तीन खेती कानून सीएमपीएस कौन होएगा? ऐसा है कि बीजेपी ना परिवार की पार्टी है ना व्यक्ति की पार्टी। सर खेती कानून साडा पार्लीमेंट साडा पार्लीमेंट बोर्ड है और साडे पार्लीमेंट बोर्ड तय करता है कि कौन किस भूमिका च पार्टी के अंदर रहेगा। तो इस करके इतने तो किसी को कहने की भी नहीं जरूरत पैंती आप ही बने दे गए मैं मुख्यमंत्री हैगा ऐसा पार्टी भी है लेकिन साड़ी पार्टी के अंदर पार्लीमेंट बोर्ड जरा तय कर। जो कैप्टन साहब ना अलायंस हो जाता है तो सीएम फेस कैप्टन साहब होंगे। मैं 117 सीटा से तैयारी कर रहा। सर खेती कानून जो 3 रद्द हुए सर इधर जी 3 जो खेती कानून रद्द हो देरी हुई है यही फैसले जो टाइम रेंदे हो जाए ऐसा कि ये ना प्रधानमंत्री जी एक लाइन सुनो जरा 3 बार जाके मेरी बेनती है। उन्होंने कहा कि मैं किसान दे हित लई लियाया सी देश दे हित लई वापस लै दे और अगर इस गल नू समझना तो श्री अकाल तख्त दे जथेदार जी दे कानून वापस लैन तो बाद दे बयान नू सुन लो। मैं लगता है प्रश्न करने की जरूरत नहीं महसूस भाई साहब ये दोनों बयान सुन लो समझ आ जाएगी। कानून दीवे की लो की तरह पवित्र है किसानों के हित लई लिया देश के हित लई वापस लै रहा इनू अगर समझना तो अकाल तख्त के जथेदार जी के बयान।